हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स। और क्लास सिक्स की हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 5.9। 5.9 हमारे पास चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग, सबको मैच करना है। फर्स्ट क्या है, कौन, स्पीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड पिरामिड। कौन, कौन क्या होता है, कौन आपने देखा होगा, एक शेप होती है, जैसे ये हमारे पास, ये किसकी शेप है, एक कौन की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कौन। तो फर्स्ट को हम किससे मैच करेंगे, सेकंड से। स्पीयर, स्पीयर क्या होता है, स्पीयर वैसे तो हमारे पास सर्कल होता है, जैसे ऐसे होता है, गोल शेप की हमारे पास कोई भी आकृति, बट जो सर्कल होता है उसको सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, उठा नहीं सकते। और जो स्पीयर होता है मीन्स एक गोलाकार आकृति होती है जिसको हम उठा सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बॉल होती है तो हमारे पास गोलाकार, गोल आकार की है, बट उसको हम उठा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक स्पीयर। अब सेकंड हमारे पास किसके पास जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एक स्पीयर, ये क्या है, एक बॉल है जिसको हम उठा सकते हैं। सी, सी हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है जिसकी दो तो हमारे पास ये लाइन है और दोनों साइड्स पे हमारे पास एक हाफ हाफ कर्व बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर। तो ये हमारे पास किसकी शेप है, एक सिलेंडर की। सी को हम इससे मैच करेंगे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड हमारे पास से जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। अगर क्यूबॉइड की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम बोल देंगे क्यूब, बट क्यूबॉइड क्या होता है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती। क्यूबॉइड और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंट है, देखो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल को सिर्फ हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल को हम उठा नहीं सकते, बट क्यूबॉइड क्या है कि क्यूबॉइड हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसको हम उठा सकते हैं, मीन्स जैसे हमारे पास कोई बॉक्स होता है जो रेक्टेंगल की शेप का है तो उसको हम उठा सकते हैं। रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंट है, रेक्टेंगल में हमारे पास होते हैं सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, बट जब हमारे पास क्यूबॉइड आ जाता है तो उसके अंदर आ जाता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, थर्ड हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाता है, हाइट, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्यूबॉइड आ जाएगा, जैसे एक बुक है आपके पास। नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड हमारे पास क्या होता है, पिरामिड आपने देखा भी होगा, वैसे भी पिरामिड होता है एक जैसे तिकोना शेप का, ऐसे तिकोनी शेप का होता है हमारे पास, ट्रायंगल की शेप का। ट्रायंगल तो हमारे पास क्या होती है, जिसको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, उठा नहीं सकते, बट पिरामिड क्या होता है कि है तो ट्रायंगल की शेप का बट उसके अंदर हम उसको उठा सकते हैं, उसकी हमारे पास क्या होती है, हाइट भी होती है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे उसको, पिरामिड। ये हमारे पास सभी क्या हैं, 3D की शेप्स हैं जिनको हम उठा सकते हैं, 2D की जो शेप्स होती हैं उनको सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, उठा नहीं सकते, बट 3D की जो शेप्स आते हैं उनको हम उठा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास, अब हमें क्या करना है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप, हर एक शेप के हमें कितने कितने एग्जाम्पल देने हैं, दो दो। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कौन, कौन क्या होता है, कौन की शेप का और क्या होता है, एन आइसक्रीम कौन, जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, एक आइसक्रीम कौन आता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कौन की शेप का होता है। दूसरा क्या, बर्थडे कैप, जो बर्थडे की कैप होती है जो बच्चे सिर पे डालते हैं वो कैप, वो भी हमारे पास किसकी शेप में होती है, कौन की शेप में होती है, तो ये भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, बर्थडे कैप। नेक्स्ट है सेकंड, स्पीयर। स्पीयर क्या बताया था मैंने, एक सर्कल, एक गोलाकार आकृति होती है जिसको हम उठा सकते हैं, तो एक ऐसी आकार की जैसे एक बॉल होती है हमारे पास, तो क्या बोल देंगे, एक टेनिस बॉल, एक क्रिकेट बॉल, कि एक क्रिकेट बॉल होती है वो भी स्पीयर की शेप की होती है, और एक टेनिस की जो बॉल होती है वो भी स्पीयर की शेप की होती है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास कैसा होता है, सिलेंडर हमारे पास जैसे हमारे पास एक होता है बेलन, बेलन को भी हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक रोड रोलर, जो रोड को रोल करने के लिए उसके ऊपर से हम घुमाते हैं ना, जब रोड को बनाते हैं तो हम उसके ऊपर से एक रोड रोलर घुमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो क्या है, एक रोड रोलर, एक लॉन रोलर। लॉन रोलर मीन्स जैसे बाग वगैरह है, बाग में जब जो घास होती है उसकी कटाई करने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से घुमाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक लॉन रोलर।
नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या बताया था मैंने? क्यूबॉइड एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी हाइट भी होती है, जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और साथ में क्या होगी, हाइट। तो क्यूबॉइड को हम क्या बोल देंगे? जैसे मैथ्स की बुक, मैथ्स की भी बुक्स हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है आपके पास क्यूबॉइड में, मैथ हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की बुक को क्या बोल देंगे? जैसे एक बुक। दूसरा क्या आ जाएगा? ब्रिक। ब्रिक मीन्स क्या होती है? ईंट। जो ईंट होती है वो हमारे पास किसकी शेप की होती है? क्यूबॉइड की, जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और जिसकी हाइट भी होती है। नेक्स्ट है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? एक डायमंड। एक डायमंड होता है जो, वो भी किसकी शेप का होता है? पिरामिड की शेप का होता है। और दूसरा क्या है? इजिप्ट पिरामिड। इजिप्ट पिरामिड आपने कई बार टेबल पे रखा देखा होगा, बिल्कुल कांच का होता है कि ऐसे त्रिकोण ऐसे शेप में बना होता है। कभी भी जैसे कहीं भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखना आप कभी भी, कि एक जो बुक्स जो पेज वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे, उनके ऊपर एक रखा होता है शेप का, जो ट्रायंगल सी शेप का होता है, बिल्कुल भारी सा होता है कांच का, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एक पिरामिड। नेक्स्ट है व्हाट शेप इज। हमें क्वेश्चन नंबर टू में क्या बताना है? आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और ये बताना है ये किस चीज़ की, कौन सी शेप है ये? योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमारे पास जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हैं। अब जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो किसकी शेप की होती है? ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या आती है? लेंथ भी आती है, उसकी ब्रेथ भी आती है और उसकी हाइट भी आती है। तीनों चीज़ आ गई तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्यूबॉइड। ए ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? ईंट। अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था एक ब्रिक का, तो ब्रिक को हम क्या बोल देंगे? एक क्यूबॉइड। नेक्स्ट है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स हमारे पास किस शेप का होता है? वो भी क्यूबॉइड की शेप का होता है। नेक्स्ट है रोड रोलर। रोड रोलर अभी हमने एग्जांपल दिया था, रोड रोलर किसका है? सिलेंडर का। तो रोड रोलर हमारे पास किसका हो जाएगा? सिलेंडर का। नेक्स्ट है स्वीट लड्डू। एक लड्डू, लड्डू किसकी शेप का होता है? बिल्कुल गोल होता है और गोल शेप का जब हम उसको उठा सकते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? स्पीयर में बन जाएगा, तो इसलिए हम स्वीट लड्डू को क्या नाम दे देंगे? स्पीयर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.9। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।